हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द फुल सीरीज़ ऑफ़ एस इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में कंस्ट्रेंट कंडीशन गिवन टू द टेबल्स कोई भी टेबल्स को हम कुछ कंडीशंस दे जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये रिकॉर्ड चाहिए उसमें एक कंडीशन है कि ये ऐसा ही होना चाहिए ये एम्प्लॉय का नेम ये होना चाहिए एम्प्लॉय की सैलरी इतनी होनी चाहिए तो ही उतनी ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो कोई भी कंडीशन हम टेबल को देंगे उसे हम कंस्टरेंट कहते हैं ठीक है बेसिकली कंस्टेंट्स आर ऑफ फाइव टाइप्स कंस्टेंट्स फाइव टाइप्स की होती है फर्स्ट यूनिक इट इज़ अ कंस्टेंट विच इज़ यूज टू अवॉइड द डुप्लीकेट्स वाइल इंटरिंग डेटा टू द टेबल यूनिक जो होती है यूनिक एक कंस्टेंट है जो अवॉइड करती है डुप्लीकेट जब हम डेटा इंटरिंग करते हैं टेबल में उस टाइम ये काम आती है और ये अवॉइड करती कोई डुप्लीकेट्स नहीं एंटर हो जाए सब यूनिक रहना चाहिए सारी डेटा यूनिक रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है नॉट नल नॉट नल भी एक कंस्टेंट है नॉट नल मीन्स सम वैल्यू शुड बी प्रेजेंट इन अ सेल नॉट नल के मतलब में अगर कोई भी कॉलम में कोई भी सेल में कोई मतलब नल वैल्यू नहीं रहना चाहिए कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए ठीक है नॉट नॉट नल में जो नल है वो एक कीवर्ड है ठीक है नल एक कीवर्ड है और नॉट नल जो होता है नल अलग है नॉट नल अलग नल मतलब वो स्पेस खाली वो कॉलम वो सेल खाली नॉट नल मतलब वहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए नॉट नल एक कंस्टेंट है ओके नेक्स्ट है चेक इट इज़ अ कंस्टेंट विच इज़ यूज टू गिव एडिशनल कंडीशन टू द टेबल चेक मीन्स ये भी एक कंस्टेंट है और ये कुछ एडिशनल कंडीशन टेबल को देने का काम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेबल ले लेते हैं ये एक टेबल है जिसमें एक आई है नेम है एंड सैलरी है ओके okay? अब इस टेबल में हम कुछ कंडीशन देंगे फॉर एग्जाम्पल चेक सैलरी ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड मीन्स हमें वो रिकॉर्ड चाहिए वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी थ्री हंड्रेड से ऊपर है ओके okay? तो एंड वी कैन नॉट इंसर्ट रिकॉर्ड विच इज़ लेस दैन थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड इट्स सेल्फ मीन्स जिसकी सैलरी थ्री हंड्रेड है उससे नीचे या फिर थ्री हंड्रेड है वो भी हम रिकॉर्ड में इंटर नहीं कर सकते वो डेटा एज एन आउटपुट ओके तो इसमें फर्स्ट देख सकते हैं एम्प्लॉय आई डी वन सचिन थाउजेंड ये थ्री हंड्रेड से ग्रेटर है यस yes. ये भी थ्री टू थाउजेंड इज ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड यस थ्री हंड्रेड इज ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड नो फाइव हंड्रेड इज ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड यस तो इन डैट टेबल ये वन टू एंड फोर ये डेटा सिर्फ हमें एज एन आउटपुट मिलेगी ओके okay? ये इस जैसे आप देख सकते हैं जैसे इट इज़ अ कंस्टेंट विच इज़ यूज टू गिव एडिशनल कंडीशन टू द टेबल ये एक टेबल में एक एडिशनल कंडीशन देने का काम करता है चेक ओके नेक्स्ट प्राइमरी की टू रिप्रेजेंट द टेबल वन कॉलम इज सिलेक्टेड डेट कॉलम इज कॉल्ड एज प्राइमरी की चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे क्रिकेट की टीम को जो प्लेइंग एलेवन है वो प्लेइंग एलेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक बंदा चुना जाता है जिसे हम कैप्टन कहते हैं वो कहीं भी फॉर एग्जांपल वो टॉस के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं भी जाना हो तो वो बंदा जाता है तो वो क्या करता है वो एक वो पूरी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करता है तो पूरी इंडियन टीम में एक बंदा चुना जाता है जिसे हम फिर उसको एज एन रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करते हैं ठीक है तो टेबल में भी एक कॉलम चुना जाता है उसको फिर उस कॉलम को हम प्राइमरी की कहते हैं ठीक है वो रिप्रेजेंट करती है पूरी टेबल को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की इट शुड बी यूनिक सबसे पहला रहना चाहिए कि वो यूनिक रहना चाहिए वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इट शुड बी नॉट नल वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल इज़ नोन एज प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल इज नोन एज प्राइमरी की जैसे आप समझ सकते हैं देयर शुड बी ओनली वन प्राइमरी की प्रेजेंट इन अ टेबल एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होना चाहिए प्राइमरी की इज़ नॉट मैंडेटरी बट डिज़ाइन वाइज इट इज़ प्रेफरेबल प्राइमरी की मैंडेटरी नहीं है ये ऑप्शनल है पर कभी कभी डिज़ाइन वाइज ये जरूरत पड़ जाता है ओके नेक्स्ट एंड द लास्ट कंस्टेंट इज़ फॉरन की टू स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स वी यूज फॉरन की दो टेबल्स हैं उस दोनों टेबल्स के बीच में कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए हम फॉरन की यूज़ करते हैं आप समझ सकते हैं जैसे हमारे डेटा बेस में हमारे डेटा में दो टेबल है उ, उन दोनों टेबल में कनेक्शन स्टेबलाइज करना है उन दोनों टेबल से रिकॉर्ड्स चाहिए उन दोनों टेबल को कनेक्ट करना ज़रूरी है तो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन की इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज ये प्राइमरी की से अपोजिट है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है इट कैन हैव नल वैल्यूज इसमें नल वैल्यूज भी हो सकती है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल इज नॉट रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक और नॉट नल जरूरत नहीं है इसकी फॉरन की इज नॉट मैंडेटरी ये मैंडेटरी नहीं है ये भी ऑप्शनल है ठीक है इफ एनी कॉलम्स वॉन्ट्स टू बिकम फॉरन की इट्स शुड बी प्राइमरी की ऑफ इट्स ओन टेबल अगर कोई कॉलम फॉरेन की बनना चाहता है तो वो प्राइमरी की होना चाहिए अपने टेबल की मतलब जो दो टेबल के बीच में हम कनेक्शन स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है जैसे मैंने आपको बताया एक कॉलम चुना जाता है उसे प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया जाता है ठीक है तो अगर उसे फॉरेन की बनना है तो अपने टेबल की प्राइमरी की होना चाहिए उसको ठीक है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट फॉरन की को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट भी कह सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में